नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्विल्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि जैसे कि अभी ठंडा चला गया है और अभी आपको इस तरह के परचेस में, क्विल्ट परचेस, ब्लैंकेट परचेस में आपको ढेर सारे ऑफर मिलने वाले, तो फिर आप अगले ठंडे का क्यों इंतजार करें, बल्कि अभी से आप देखते रहे और जब भी आपको 70-75% इस तरह के ऑफर मिल जाए तो आप उसे परचेस कर ले। लेकिन परचेस करते समय आप लोगों को ये परेशानी ना हो कि कौन सा खरीदे, कौन सा ना खरीदे और कौन सा आपको खरीदना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पुराने जमाने के जो कॉटन का क्विल्ट यूज़ करते हैं वो बहुत ही भारी भरकम होता है, उसमें कवर पहनाना भी मुश्किल होता है, उसे फोल्ड करना भी मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम सोचते हैं क्यों ना कुछ ऐसा क्विल्ट खरीदे जो बहुत लाइट वेट भी हो और हेवी विंटर के साथ साथ जब कम आपका ठंडा रहे उस समय भी वो काम में आए। तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं कि किस तरह के ठंडे के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर कम ठंडा, इस सब को देखते हुए किस तरह का क्विल्ट या फिर कॉम्फर्टर आप खरीद सकते हैं। ये है रेमोंड का क्विल्ट और ये डबल बेड का क्विल्ट है और इसको एक्चुअली इन्होंने क्विल्ट बोल के इसे दिया है। कई जगह इसे कॉम्फर्टर भी बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि इसे आप कॉम्फर्टर की तरह यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी जो आपका थिकनेस है वो थोड़ा कम है। तो ये हेवी विंटर की जगह अगर आप एसी रूम में इसे यूज़ करना चाहते हैं या फिर कम ठंडा है उस जगह पे आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से इसकी जो स्टिचिंग है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरह से इसका दो कलर है, ये रिवर्सेबल है, इसको आप दोनों तरह से आप इसको ले सकते हैं। इस इधर का कलर ये ग्रीन है और इधर का ये ब्लू है। ये इसे आप मशीन वॉश तो कर ही सकते हैं, इसे आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसे वॉश करने जाए तो उसके पहले इसका कौन कौन सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए ये बात आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, या फिर यहाँ पे इसके टैग में भी लिखा हुआ रहता है कि धोते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसे ज़रूर चेक कर लें। ये मैं दो तरह का मंगवाई हूँ, तो वो इसलिए कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि किस प्राइस में आपको किस तरह की क्वालिटी आप ले सकते हैं और वो कौन से समय के लिए आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे ये एक कलर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इससे कैसे देखने में लग रहा है बिस्तर पर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पिक्चर के साथ। इसकी प्राइस है 4299 जो मुझे 1250 में मिला है। ये एक्चुअली बहुत ही लाइट वेट है, तो इसमें कवर पहनाना या फिर इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये धोना बहुत ही आसान है, और अगर आप इसे कवर भी पहनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली पहना सकते हैं। और उसी का ही आप देखिए ये दूसरा जो है ये भी सेम कलर में है, ये देखिए सेम कलर है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। ये एक्चुअली आपका क्विल्ट इसको हम बोलते हैं। इसके पहले भी मैं एक क्विल्ट मंगवाई हूँ जिसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है देखिए ये थोड़ा बहुत थिक है, तो सेम कलर है लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा है और इसका जो GSM है वो ज़्यादा है, यानी ये 200 GSM का है। तो इसी वजह से ये हेवी विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसे भी आप मशीन वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग तो कर ही सकते हैं। लेकिन जितना भी ये देखने में आपको थिक लगे बट इसका वेट जो है वो बहुत ही लाइट वेट है। वो वाला ज़्यादा लाइट वेट है, उससे ये थोड़ा सा भारी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही लाइट वेट है। इसे आप हेवी विंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें सच में बहुत कंफर्ट है। आप इसको यूज़ करके देखिएगा तो फिर आपको पता चलेगा। मैं एक्चुअली ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ तभी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसका भी जो है इसका प्राइस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी प्राइस है 5199 जो मुझे 1825 में मिला है।
इसके पहले भी मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं ये एक क्विल्ट जो बनाने के लिए मैं दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ और ही बना दिया था, मैं कुछ और ही मांग रही थी, तो वो इस तरह के क्विल्ट नहीं बना पाए थे। जो हमारे लोकल में जो क्विल्ट बनाते हैं उनसे मैं बोली थी इस तरह के बनाने के लिए, तो वो नहीं बना पाए थे, बल्कि उसके जगह कुछ और ही बना दिए। तो ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी बहुत दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये रेमोंड का क्विल्ट है, और ये मैं गर्मी के समय में ली थी, जो मुझे 75% ऑफ में मिला था। तो इसका देखिए, ये दोनों तरह से आप इसको ले सकते हैं, रिवर्सिबल है, इधर का कलर भी बहुत खूबसूरत है, और ये भी इसका स्टिचिंग क्वालिटी भी देखिए। ये ऑलरेडी एक बार वॉश हो चुका है, लेकिन देखिए इसका कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऑलरेडी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं दूसरा वाला फिर से परचेज़ की हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू भी शेयर कर सकूँ। इसकी भी प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। और जहां भी आपको अच्छे ऑफ़र मिले, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंट्रा हो, जहां भी आपको अच्छे ऑफ़र मिले आप वहां से परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये तीनों का ही परचेस मैं फ्लिपकार्ट से की हूँ। ये ऑलरेडी इसका मैं एक वीडियो हाल ही में आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि हम कंफर्टर को किस तरह से मशीन में वॉश कर सकते हैं। ये भी रिवर्सिबल है, ये देखिए, ये जो मैं पहला वाला आप लोगों के साथ शेयर की कि जो लाइट वेट है, जो थोड़ा बहुत आपका पतला है, तो ये एक्चुअली कम ठंडे में बहुत अच्छे से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और एसी रूम में भी आप इसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको बहुत कंफर्ट देता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप ये पुराने वाला ये भारी भरकम क्विल्ट को अब दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसे बोलेंगे बाय बाय, क्योंकि इसके जगह आप ये लाइट वेट वाला और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आप क्विल्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप फोल्ड करना या फिर जिसमें कवर पहनाना दोनों ही आसान है, और साथ साथ आप इसे बहुत आसानी से घर पे भी वॉश कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे वॉश करें, ये वीडियो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसकी जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर की कि जब भी आप क्विल्ट खरीदने जाएं या फिर कॉम्फर्ट खरीदने जाएं, तो आप ज़रूर उसका GSM चेक कर लें, और साथ साथ आपको प्राइस भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो इस वजह से क्या होगा कि प्राइस के हिसाब से भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा हेवी विंटर के लिए है और कौन सा लाइट विंटर के लिए है, यानी कम ठंडे में भी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हम ये भी बोल सकते हैं कि आप एसी रूम में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।